गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूं ये प्रीबॉक्सल फेस वॉश के बारे में। ये है बेंजिल परऑक्साइड क्रीमी वॉश। इसमें 4% बेंजिल परऑक्साइड है। अब बेंजिल परऑक्साइड की बात करें तो ये एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करता है। एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की स्किन पर एक्ने पिंपल हो जाए तो बेंजिल परऑक्साइड सूट करता है। कुछ की स्किन पर सैलिसिलिक एसिड सूट करता है। कुछ की स्किन पर क्लिंडामाइसिन सूट करता है। पर ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्ने पिंपल के ट्रीटमेंट के लिए हैं और काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। तो अगर आपने कभी बेंजिल परऑक्साइड यूज़ नहीं किया है और आप यूज़ करना चाहते हैं, क्रीम्स जो होती हैं वो थोड़ी सी मतलब क्या होता है, उनके साइड इफेक्ट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उनको हम देर तक लगा के रखते हैं। तो अगर आपने बेंजिल परऑक्साइड कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये फेस वॉश से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें 4% बेंजिल परऑक्साइड भी है और साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि इसको हम 30-40 सेकंड के लिए ही बस अपने फेस पर लगा के रखते हैं और फिर वॉश कर देते हैं। पर खास बात यह है कि आपको बेंजिल परऑक्साइड के सारे बेनिफिट्स उतनी ही देर में मिल जाएंगे। ये जो फेस वॉश है ये इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगा। और 50 ग्राम का ये पैक है, काफ़ी अफोर्डेबल है और डिस्काउंट भी आपको इस पर ज़रूर मिलेगा, तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। आप इसको एक बार ज़रूर लेके देखिए अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है। ये जो फेस वॉश है सिर्फ एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करता है। उन्हीं लोगों को यूज़ करना है जिनको ये प्रॉब्लम है और कोई यूज़ नहीं कर सकता है। और इसके टेक्सचर की बात करूँ तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने क्रीम लगाई हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ जेल बेस्ड फेस वॉश ही सूट करते हैं, तो वो इसको यूज़ ना करें। ना ही इसमें लेदर होगा और आप इसको जब लगाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप क्रीम लगा रहे हो। वैसे तो ऑयली स्किन पे जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए और सूट भी करते हैं, पर मेरी ऑयली स्किन है पर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन करता है। इसको यूज़ करने के बाद थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाती है, पर इसके ऊपर आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और इतनी भी ड्राइनेस नहीं होती है, थोड़ी सी ड्राइनेस होती है। क्या होता है, जो भी चीज़ें एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं वो स्किन को थोड़ी सी ड्राई कर ही देती है। तो ये भी थोड़ा सा स्किन को ड्राई करेगा, पर आप मॉइस्चराइज़र लगा लोगे तो बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगेगी। और इसको लगाने के बाद अपना जो भी ट्रीटमेंट है आपका वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरा जो भी क्रीम लगाते हो, टोनर लगाते हो, जो भी आपको लगाना है वो सारी चीज़ें इसके बाद आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन आप सिर्फ एक ही टाइम इसको यूज़ करें और 2 या 3 टाइम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में एक टाइम यूज़ करना है, बस थोड़े दिन बाद जब इस प्रोडक्ट को आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप अपनी टाइमिंग्स बढ़ा सकते हैं। मैं तो इसको काफ़ी दिन से सिर्फ एक टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से एक्ने प्रॉब्लम को दूर करता है। ये क्या करता है, आपकी स्किन पर जो भी पिंपल हुआ है उसको ड्राई करेगा और फिर उसको धीरे धीरे पील कर देगा। वो अपने आप ही अलग हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सबसे इफेक्टिव भी होता है अगर आपकी स्किन पर कोई भी पिंपल हो गया हो। अगर आपकी स्किन पे पिंपल हुआ हो, वो पहले ड्राई हो रहा है और धीरे धीरे वो निकल जाए, तो उससे क्या होता है आपकी स्किन पे कोई भी दाग धब्बे नहीं रहते हैं और जो भी पिंपल की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको कुछ दिन से यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपके फेस पे पिंपल का प्रॉब्लम हुआ है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे भी रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो क्या करना है, जल्दी से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।